हम पढ़ रहे थे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को टिंडल नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पर इसे टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, इसे हम सब ने देखा है। जैसे कोहरे को चीर कर आती हुई प्रकाश किरणें अपने घर में मॉर्निंग के टाइम खिड़की या रोशनदान से आते हुए प्रकाश पुंज का चमकीला पथ देखा होगा, और इसी प्रकार से घने जंगल की जो कैनोपी होती है, कैनोपी आच्छादन वितान, घने जंगल के जो पेड़ होते हैं ऊपर से थोड़ा उनके बीच में गैप होता है, उस गैप में सूर्य का प्रकाश आता है तो उससे प्रकाश पुंज का पथ हमें दिखाई देता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं टिंडल इफेक्ट के। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसके पीछे रीजन है फिजिक्स का कंसेप्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर हम टिंडल इफेक्ट की व्याख्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन हम पढ़ चुके हैं कि यह वेरी स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल से होता है, जो एक प्रकार के कोलोइडी पार्टिकल्स होते हैं। वैसे ही कोहरे में जो प्रकाश की किरणें आती हैं, जिन्हें हम प्रकाश की किरणें समझते हैं, वो वास्तव में प्रकाश की किरणें न होकर पानी की बूंदें होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कोहरा क्या होता है, एक प्रकार का कोलोइडी मीडियम होता है, उसमें कोलोइडी पार्टिकल्स होते हैं जिनसे प्रकाश की स्कैटरिंग होती है और प्रकाश पुंज का पथ हमें दिखाई पड़ता है, प्रकाश किरणों का पथ दिखाई पड़ता है। ऐसे ही घर में रोशनदान से जो प्रकाश आता है सुबह, उसमें धूल के कण वगैरह होते हैं झाड़ू आदि लगाने से, तो वे कोलोइडी पार्टिकल्स होते हैं जिनसे प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से प्रकाश पुंज का पथ हमें दिखाई देता है। इस प्रकार घना जंगल होता है उसमें कोलोइडी मीडियम होता है, तो प्रकाश की किरणें जब उसमें से आएंगी तो उसका पथ हमें दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रकाश किसी कोलोइडी मीडियम से पास होता है, कोलोइडी माध्यम से गुजरता है, तो हमें प्रकाश पुंज का पथ दिखाई देता है। इसे ही टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था वास्तविक विलयन के बारे में, कोलोइडी विलयन के बारे में। वास्तविक विलयन के जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ ज्यादा ही छोटे होते हैं, उनसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती, जबकि कोलोइडी पार्टिकल से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। तो हमारे पास जैसे कि ये दो गिलास हैं, एक गिलास में क्या है, इस वाले गिलास में नमक का सॉल्यूशन है, पानी में नमक डाल दिया, सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन। दूसरा हमारे पास है पानी में दूध डाल दिया थोड़ा सा, तो पानी में दूध क्या होता है, एक प्रकार का कोलोइडी सॉल्यूशन होता है। तो इस गिलास में हमारे पास है वास्तविक विलयन, दूसरे गिलास में क्या है, कोलोइडी सॉल्यूशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इससे पास करेंगे, एक तीव्र प्रकाश पुंज डालेंगे, लेजर लाइट डालेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि वास्तविक विलयन से भरे बिकर में प्रकाश पुंज का पथ दिखाई नहीं पड़ता, जबकि कोलोइडी विलयन से भरे बिकर में प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है तो हमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है। इसको हम देखेंगे इस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं पहले वाला जो बीकर है उसमें प्रकाश किरणों का पथ हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, और दूसरे वाले गिलास में क्या देख रहे हैं हम, गुलाबी कलर की सी झलक दिखाई दे रही है, तो यानी कोलोइडी मीडियम में से पथ दिखाई पड़ता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। तो फर्स्ट बीकर में हमने लिया था वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, दूसरे बीकर में हमने क्या लिया था, कोलोइडी सॉल्यूशन, कोलोइडी विलयन। तो ये है टिंडल इफेक्ट, जब प्रकाश पुंज को वास्तविक विलयन से भरे बीकर से गुजारा जाता है तो हमें प्रकाश पुंज का पथ दिखाई नहीं पड़ता,
लेकिन जब कोलोइडी विलयन से भरे बीकर में से प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है तो उसका पथ हमें दिखाई पड़ता है, इसे ही टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। तो हमने बताया था टिंडल इफेक्ट की व्याख्या हम कर सकते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के आधार पर। तो हम पढ़ चुके हैं अत्यंत सूक्ष्म गोलाकार कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, कोलोइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होता है। कोलोइडी पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से मैच करती है। कोलोइडी कणों की साइज न तो बहुत बड़ी होती है और न ही अति छोटी, एक बीच का सा साइज होता है जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सूटेबल होता है। क्योंकि यदि प्रकाश के तरंग दैर्ध्य बड़ी होगी, जैसे ये कोलोइडी पार्टिकल है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्यादा बड़ी होगी तो जंप करने के चांसेस ज्यादा होंगे, और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य छोटी होगी तो इसमें से क्रॉस करने के चांसेस ज्यादा होंगे, और जब इसमें से क्रॉस करेगी प्रकाश किरणें तो परावर्तन या अपवर्तन की घटना होने के चांस ज्यादा होंगे। लेकिन जब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सूटेबल होती है तो क्या होता है, उसका स्कैटरिंग होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है इस प्रकार से। अर्थात कोलोइडी पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सूटेबल होता है, यानी टिंडल इफेक्ट में प्रकाश के पथ की चमक रिफ्लेक्शन या परावर्तन की वजह से नहीं होती बल्कि प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होती, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होती है। वास्तव में होता क्या है, जब प्रकाश कोलोइडी पार्टिकल्स पर आता है तो कुछ मात्रा में कोलोइडी पार्टिकल प्रकाश का अधिशोषण करते हैं। अधिशोषण का मतलब होता है सरफेस पर पार्टिकल्स का चिपकना। एक होता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, उसमें क्या होता है पार्टिकल्स उसके अंदर समा जाते हैं ऑब्जेक्ट के। जैसे हमारे पास ये स्पंज है, इस पे पानी डालेंगे तो उसके मॉलिक्यूल पार्टिकल्स इसके अंदर समा जाएंगे। तो टिंडल इफेक्ट में जो चमक होती है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होती है, क्योंकि कोलोइडी पार्टिकल्स कुछ मात्रा में प्रकाश का अधिशोषण करते हैं अपनी सरफेस पर और शेष प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे प्रकाश पार्टिकल्स में से ही निकलता हुआ प्रतीत होता है, जिससे हमें प्रकाश पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है।